क्या बात है बाबूजी, आज बहुत खुश हो? आज नतीजे का दिन है स्वीटी जी। जो हमने कल आग लगाई थी, देखेंगे आज की उस आग ने कितना कुछ जलाकर राख कर दिया। आप नहीं जानते स्वीटी जी, उस रावण का चेहरा देखने के लिए हमारा मन कितना बेचैन है। फिर तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज तो पार्टी होनी चाहिए बाबूजी। बिल्कुल होगी, अपने दुश्मन की बर्बादी का जश्न हम 100% मनाएंगे। श्री, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा, अगर अप्पा चाहते हैं कि कार्तिक अपने फादर इन लॉ का नया बिजनेस खुद संभाले तो अच्छी बात है, फिर भी हर बार मुझे इस चीज का एहसास क्यों दिलाया जा रहा है कि मुझे इससे बाहर रहना है। पता है, हर कोई नोटिस करता है, एवरीबॉडी, इवन वो सिद्धांत। सिद्धांत? वो भी कह रहा था। पता नहीं आजकल इस घर में क्या चल रहा है, अप्पा और कार्तिक मुझसे बातें छुपा रहे हैं। तो तुम अप्पा से सीधी सीधे बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ, ऐसे मन में बातें रखकर प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होंगी ना? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, उनकी जो मर्जी है करें। अगर उन्हें लगता है कि मुझे इस चीज में बीच में नहीं पड़ना चाहिए तो ठीक है ना? सही, ये क्या बात हुई श्री? अप्पा है वो तुम्हारे, भाई है वो तुम्हारा। अगर तुम चाहो तो मैं जाकर अप्पा से बात कर लेती हूँ। रिधि, क्या तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती क्या? मैं कोई छोटा दूध पीता बच्चा हूं जो तुम मेरे बिहाफ पर जाकर अप्पा से बात करने जा रही हो? मजाक बना के रखती है। हो क्या रहा है इस घर में? अब एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आपने ये फार्मास्यूटिकल डील्स की फाइल मंगवाई थी? छोड़ दो, क्या क्या देख कर बोलेगा। सर आप ठीक तो हो? लग रहा है कल रात को आप ठीक से सोए नहीं। कैसा लगता है कह के सोया नहीं? सर आपकी आंखों से। सब ठीक तो है, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, पर्सनल है कुछ, जाने दो, क्या क्या हैंडल करेगा जी। हाँ, गुड डे सर। कृष्णकांत रेड्डी, ये था सिद्धांत सिन्हा का पहला वार। मैंने कहा ना केके, मुझे बात नहीं करनी। आगे से तुमसे मुझे कोई बात ही नहीं करनी। एक्सक्यूज मी राव, गाड़ी निकालो। क्या हुआ, सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों घूम रही हो? क्योंकि मेरा मूड सड़ा हुआ है। वो तो हम पहली नजर में ही समझ गए थे, असली सवाल ये है कि तुम्हारा मूड क्यों सड़ा हुआ है? आज सुबह ना कार्तिक से लड़ाई हो गई मेरी, मेजर वाली।
और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे जाके बात करूं। हमसे करो, हमारा कंधा है ना रोने के लिए। रोली, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज कंधा है, कल नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगी? अरे हम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कभी भी कुछ भी शेयर करना तुम हमें आकर बता सकते हो। तुम जब भी हाथ आगे बढ़ाओगे हमें अपने करीब पाओगे। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम कहाँ हो सिद्धांत? कहीं नहीं हो तुम, कहीं भी नहीं। बधाई हो बाबूजी, आपका पहला तीर सीधा मछली की आंख पे लगा है। मुझे तो श्रीकांत सर भी थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे थे, लगता है उनके साथ भी कुछ बुरा हो गया है। हमने हर तरफ से दांव खेला है स्वीटी जी, और रिजल्ट है 100%। अब ऐसे ही वार पे वार करेंगे ना तो के रेड्डी को बर्बाद कर देंगे। स्वीटी गिर जाएंगे। हेलो अनुष्का, मॉम और डैड के बीच में सब ठीक है ना? मॉम थोड़ी उदास उदास ही लग रही थी। पता नहीं भाभी, रात को कुछ हुआ तो था, है ना? कार्तिक भी थोड़ा ऑफ सा लग रहा था। हाँ एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया। भाभी आपके और अन्ना के बीच में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है, नथिंग टू वरी अबाउट। पता नहीं भाभी, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी आपने कहा था ना हर जीत का जश्न होगा। नहीं स्वीटी जी, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो आप खुश लग रहे थे। किसी और दिन पार्टी करेंगे स्वीटी जी। आप ये फाइल श्रीकांत को दे आइए। ठीक है। एके रेड्डी को इतनी बड़ी पटखनी दी है हमने, लेकिन फिर भी हमारे दिल में खुशी के साथ साथ दुख क्यों है? कहीं इसलिए तो नहीं कि इसका असर अनुष्का पर भी हो रहा है? कार्तिक, कैसा रहा तुम्हारा दिन? ऑलराइट। बाद में मैंने सोचा तो मुझे लगा सुबह मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी तुमसे। क्या फर्क पड़ता है कि इसका कलर मेरी पसंद का है या नहीं? उल्टा मुझे तो खुश होना चाहिए था कि तुम मेरे लिए इतने प्यार से कुछ लेकर आए। थैंक यू कार्तिक। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये तैयार क्यों हुई हो? कहीं जा रही हो? हाँ, आज मैं अपने हैंडसम एंड केयरिंग हस्बैंड को डिनर पे लेके जा रही हूँ। तुम भी आना चाहोगे? सोचने दो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और तुमने कहा था ना
की तुम्हारी पसंद नापसंद, मुझे किसी से एडवाइस लेना चाहिए, तो मैंने किसी से एडवाइस ली। किससे ली एडवाइस? है एक फ्रेंड। तुम मिलवाओ अपने फ्रेंड से। पक्का? अब मुझे दो मिनट दो, मैं रेडी होके आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके, तो मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। श्योर। तुम्हारी एडवाइस तो काम आ गई यार, नूपुर ने पेंडिंग पहन लिया। कार्तिक का मैसेज। तुम्हारी एडवाइस तो काम कर गई यार। लगता है आज की रात रोमांटिक होने वाली है। थैंक यू। You're most welcome. Have a good time. Enjoy. पूर्वा सिन्हा, तुम तो लव गुरु भी बन सकते हो यार। बाबूजी, घर चले? अब निकलिए स्वीटी जी। मैं तो जा ही रहा हूं, आपका क्या इरादा है? काम तो खत्म हो ही चुका है, दोनों भाई साथ चलते हैं। आप निकलिए, हम थोड़ा रुक के आते हैं। ओके बाबूजी, मैं चलता हूं। बाय। ये हमने क्या कर दिया अनुष्का? हम बाकी सब कुछ चाहते हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि तुम्हारे चेहरे से कोई मुस्कान छीने। अरे तो क्या करें, कैसे लौटाएं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान? हाँ हेलो, अनुष्का मैम का ड्राइवर है वहां? हाँ सर है, गाड़ी लेकर रेडी है। गाड़ी नहीं आई तुम्हारी? मोहन जी कहाँ हैं आप? मैं तो घर निकल गया, आप ही ने तो बोला था। मैंने? जी मैम, रिसेप्शन वाले गार्ड ने बोला कि आपने घर जाने को कहा है। मोहन जी आप अभी यहाँ पर आइए जल्दी। जी मैम। क्या हुआ? तुम क्या यहाँ खड़े होके मेरी पूछताछ कर रहे हो? जाओ ना। तुम्हारी गाड़ी आने तक वेट कर लेते हैं। क्यों? ये मेरा ऑफिस है, मैं सेफ हूँ यहाँ। वो तो है, वैसे हम भी तो अपनी गाड़ी की वेट कर रहे हैं। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है आज? उतरा हुआ है या चढ़ा हुआ है मुझे तुमसे डिस्कस नहीं करना। आज सब घर पे तो ठीक है ना? सुना था कि झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से तो उदास नहीं हो ना? तुम्हें कैसे पता कि घर पे झगड़ा हुआ है? वो श्रीकांत कहे थे, और आज सुबह जब केके सर से भी मिले थे तो वो थोड़े से ना स्ट्रेस्ड आउट लग रहे थे। बाकी 2+2 तो हम खुद ही कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया है सबको,
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ को क्या हो गया। जब तक जिंदगी है ना, ये सब तो चलता ही रहेगा। तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए, इसलिए हम तुम्हें अमेरिका जाने को कह रहे हैं। तुम होते कौन हो मुझे अमेरिका भेजने वाले, और ये तुम्हें किसने कहा कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं? हम कोई नहीं होते और हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। हम बस इतना बता रहे हैं कि सबकी अपनी अलग अलग किस्मत होती है। दूसरे के साथ क्या हो रहा है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आज तुम उदास हो, क्या पता कल तुम्हारी अपनी किस्मत की वजह से तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। पर कभी कभी हमारी किस्मत दूसरों से जुड़ जाती है, और जब जुड़ती है ना तो हम सिर्फ अपने लिए डिसाइड नहीं करते, हम उनके लिए भी डिसाइड करते हैं जिनसे हमारी किस्मत जुड़ गई। पर ये बात तुम नहीं समझोगे। जो भी हो, अपनी किस्मत पर से भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि किस्मत में कल क्या हो ये कोई नहीं जानता। तुम चिंता मत करो, मेरी किस्मत है, मैं संभाल लूंगी। चले भैया। लब खुले जिस्म मुस्कुराने लगा, फूल का खिलना था कि डाली हंसी, कौन बेदर्द छीन लेता है मेरे फूलों की भोली भाली हंसी। हम तुम्हारे होठों से हंसी नहीं छीन सकते अनुष्का, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें नहीं चुकानी पड़ेगी। हमारी वजह से तुम्हारी स्माइल गई है ना, तो उसे वापस लाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।